हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू विद्यालक्ष्मी कोचिंग। स्टूडेंट मैं आप लोगों के लिए क्लास 9 एक्सरसाइज 2.5 जो मैं क्वेश्चन नंबर 7 लेकर आई हूं। तो चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन दे रखे हैं, उपयुक्त सर्वसमिकाओं प्रयोग करके निम्नलिखित की मान ज्ञात कीजिए, यानी आपको ये चेंज करना है। तो चेंज कैसे करेंगे, देखिए पहले आप लोग जान लेते हैं फार्मूला। इसका दो तो फार्मूला अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ चुके थे, एक्स ए ए प्लस बी का होल क्यूब और ए माइनस बी का होल क्यूब। देखिए फिर हम लोग एक बार देख लेते हैं। देखिए यानी ए प्लस बी का होल क्यूब ए क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ये हो गया ए प्लस बी का होल क्यूब। फिर आप लेते हैं ए माइनस बी का होल क्यूब ए क्यूब माइनस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर और माइनस बी क्यूब, यही आपका दोनों फॉर्मूला से आपको कैलकुलेट करना। ओके, तो देखिए इसमें हम लोग एक नंबर जैसे दिया हुआ है यानी 99 का होल क्यूब, तो हम लोग इसको 100 माइनस 1 का होल क्यूब कर सकते हैं। यानी इसको आप मिनट के लिए ए में ले लेते हैं, इसको बी ले लेते हैं। तो कीजिए उसी तरह, यानी ए माइनस बी का होल क्यूब, ये फॉर्मूला आपको पुट करना है। तो ए क्यूब मतलब 100 का क्यूब माइनस 3 ए स्क्वायर, तो 100 का स्क्वायर और बी, बी मतलब 1 हो गया। फिर आपका प्लस 3 ए, ए मतलब 100 हो गया और बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, फिर माइनस बी क्यूब मतलब 1 का क्यूब। ओके, तो देखिए 100 100 100 तीन बार गुना करेंगे तो 1 और 2 2 2 और 2 6 तो 0 हो जाएगा। माइनस 3 को 3 रखिए, फिर इसको 100 100 गुना करेंगे तो 4 तो 0 हो जाएगा, 1 का कोई वैल्यू नहीं है। देखिए 3 गुना 100 301 का कोई वैल्यू नहीं है, 1 को जितना बार गुना कीजिए 1 ही होंगे। फिर अब देखिए इसको फिर एक बार कीजिए, 6 0 1 और 6 0 माइनस 3 1 3 4 0 फिर प्लस 300 माइनस 1। ओके, अब देखिए इसका जब जो प्लस है ये प्लस है, दोनों को जोड़ लीजिए। देखिए इसको अगर जोड़ेंगे तो 2 0 और 1 0 और 300 माइनस, फिर इसको प्लस माइनस माइनस प्लस लेकिन चिन्ह माइनस, 30001 को जोड़ेंगे तो 30001 होंगे। अब इसको घटा दीजिए, देखिए घटा रही, इसको सेम लिख दीजिए, 1 और 3 0 3 और 2 0 और माइनस कीजिए 1 0 0 0 3। देखिए 10 में 1 चला गया तब का 9 बचा, फिर 1 हो गया तब का फिर 9 बचा, फिर 1 हो गया तो 2 बचा, फिर 0 10 में 3 गया तो 7 बचा, फिर 1 रहा तो 9, यानी आपका बचा 9 7 0 2 9 9, यही हो गया आपका आंसर। फिर आप पढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए दो नंबर क्वेश्चन, अब इसको हम लोग 100 प्लस 2 कर सकते हैं, यानी इसको ए ले लेते इसको बी लेते हैं। तो लीजिए ए, अब ई वाला फॉर्मूला आपका पुट होंगे तो ए क्यूब माने 100 का क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर और फिर बी, बी का मतलब 2, फिर 3 3 ए ए बी स्क्वायर, ए मतलब 100 और बी स्क्वायर मतलब आपका 2 का स्क्वायर, फिर प्लस बी क्यूब मतलब 2 का क्यूब। ओके, 100 100 गुना कीजिए 3 बार तो आपका 6 0 हो जाएंगी, 3 को 3 ही रखिए गुना, 100 100 गुना कीजिए 1 और 4 0 हो जाएंगी और फिर गुना 2, ये प्लस 3 गुना 100 300 और गुना 2 2 4 और 2 2 2 गुना करेंगे 8 हो जाएंगी। अब इसको सेम रखेंगे 1 और 6 0। ओके, फिर इसको देखिए 3 1 3 और 3 2 6 और 4 0, फिर प्लस 3 4 12 2 0 और 8 ही रह जाएंगे। अब सब तो जोड़ है, इसको जोड़ कीजिए, देखिए जोड़ ऐसे कीजिए, लिखिए पहले 1 और 6 0 फिर इसको 60000 हो गया, इधर से लेवल होना चाहिए। ओके, फिर 1200 फिर इधर 8, अब इसको जोड़ा मारिए 0 0 8 हो गया 0 2 1 6 0 1, यानी ये संख्या आप यहाँ पर पुट कर दीजिए, यही हो गया आपका आंसर। फिर अब बढ़ते 3 नंबर क्वेश्चन की ओर।
देखिए थ्री नंबर क्वेश्चन दे रखे हैं 998 का क्यूब तो हम लोग कैसे कर सकते हैं 1000 माइनस 2 का क्यूब यानी 1000 में 2 किया तो आपका 998 ही आएगी। इसको ए मान लेते इसको बी मान लेते यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर ये फॉर्मूला आपका पुट हो जाएंगे। तो कीजिए ए क्यूब माइनस 3 ए स्क्वायर माने 1000 का स्क्वायर बी बी मतलब तो फिर प्लस 3 ए ए मतलब 1000 और बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस बी क्यूब तो 2 का क्यूब ओके यहाँ पर 2 का क्यूब। तो देखिए 1000 तीन बार गुना करेंगे एक एक के और 3 3 3 नॉट हो जीरो हो जाएंगे ओके। फिर माइनस 3 को 3 रखिए गुना 1000 दो बार गुना करेंगे एक एक के और 2 3 3 छः तो आपका जीरो हो जाएंगे और गुना 2 प्लस यहाँ पर कीजिए 3 1 3 और 3 तो 0 गुना 2 2 गुनी 4 माने 2 2 2 गुना करेंगे तो 8 हो जाएंगे। फिर एक बार गुना कीजिए इसको से हम रखें 1 और 9 0 माइनस 3 1 3 और 3 2 गुनी 6 और 8 0 6 0 फिर प्लस 3 4 12 3 0 माइनस 8। तो देखिए यह प्लस है और यह प्लस इन दोनों को जोड़ दीजिए तो देखिए इसको जोड़ते हैं 3 0 है मतलब मेरा 3 0 कैंसिल 12 12 यहाँ पुट कर देंगे मतलब 5 0 कैंसिल और यहाँ पर बचा 4 0 और 1 हो गया। फिर माइनस माइनस प्लस लेकिन चिन्ह माइनस जोड़िए सिर्फ यहाँ पर 8 पुट कर दीजिए 6 0 0 0 0 0 8 ओके। अब इसको आप घटा कर देते हैं तो यहाँ लिख देते देखिए 1 और 4 0 फिर 12 और 3 0 फिर इसको लिखिए 8 0 0 0 फिर 0 0 ना 2 2 4 5 0 2 2 4 2 2 4 1 5 0 6 अब इसको घटा करते हैं घटा है देखिए 10 में 8 गया तो 2 बचा फिर 8 में 1 रहा 9 हो गया फिर 1 में रहा तो 9 हो गया फिर 1 रहा तो 2 में 1 गया तो 1 बचा 1 बचा 0 बचा 10 में 6 गया तो 4 बचा फिर 9 हो गया फिर 1 बचा 9 हो गया ये हो गया आपका आंसर। यहाँ पर इस संख्या को लिख दीजिए ओके। आई होप आप अच्छे तरह से समझ गए होंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक बाय बाय।